यूक्रेन से इंसानों पर खतरे की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत ज्यादा परेशानी में डालने वाली खबर है। देखिए एक ऐसी खबर जो दुनिया भर में अब रेडियो एक्टिव खतरे को और बढ़ा रही है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट हम सब जानते हैं, वहां पर एक धमाका हुआ था जिसके बाद आज तक उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। वहां पर रेडिएशन लेवल बढ़ गया है, यूक्रेन ने इसकी पुष्टि कर दी है। रूसी हमलों के बीच चेर्नोबिल प्लांट में रेडिएशन बढ़ा है। रूस ने अपने शुरुआती अटैक में कोशिश की कि जल्द से जल्द इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया जाए, क्योंकि रूस ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी पुतिन ने खुद कि यूक्रेन के पास अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी इस चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया। आपको मालूम है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक बहुत बड़ा धमाका कुछ सालों पहले हुआ जिसके बाद आज भी यहां पर रेडिएशन के के सबूत दिखते हैं, रेडिएशन का असर दिखता है। मैं जल्दी से वंदना मैम के पास जाऊंगा। वंदना मैम, चेर्नोबिल परमाणु प्लांट जहां का रेडिएशन बढ़ रहा है ये यूक्रेन पुष्टि कर रहा है, इसके साथ साथ जो मैंने आपसे पहले पूछा कि यहां चीन और भारत एक सेम पेज पर, क्या दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? देखिए आपने, मैंने पहले भी इस बात को मैं लेकर के आई थी जब मैंने कहा था क्योंकि चीन रशिया के साथ ही है, जो वो एब्सेंट कर रहा है, अगर उसके पास में भी वो भी नो कर सकता था बट उसने नो नहीं किया पर एब्सेंट रहा, तो भारत ने तो बहुत समझदारी का ये काम किया है क्योंकि भारत बिकॉज इस वक्त जो है हम ये कहना चाहेंगे कि आप देखिए रशिया भारत का मित्र रहा है, पुराना मित्र रहा है, और अमेरिका भी भारत के साथ में अच्छे संबंध हैं, बट इस वक्त अगर इसी संबंध को देखते हुए हम ना ये सीखें कि अगर अमेरिका के मतलब लाइक एक प्रलोभन से यूक्रेन की ये हालत हो गई, बट इंडिया इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जो अपना वो बना रहा है पोजीशन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसीलिए इंडिया का ओपिनियन मायने रखता है। जो बाइडेन भी लगातार कह रहे हैं कि हम भारत से संपर्क में हैं और इस पर बात करेंगे, तो वहीं पुतिन ने खुद फोन करके भारत के प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।